फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़। इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज। एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्स एक्स कोट शाइन जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्स प्राइम सील वॉल सीलर। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1-800-21-23-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं dsadaknama.com। इस वक्त dsadaknama.com की टीम पहुंची है अबोर में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव को लेकर के dsadaknama.com की टीम है वो पंजाब के विभिन्न शहरों में जा रही है और हम वहाँ पे लोगों का मूड क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं उसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। और ये अबोर शहर है, ये कहूँगा कि पंजाब का पुराना शहर जिसकी जो सीमा है वो हरियाणा के साथ लगती है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे अबोर में क्या कुछ समीकरण है पिछले चुनाव की, यानी कि 2017 के विधानसभा चुनाव पे नज़र डालें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो यहाँ पे रहे हैं, अरुण नारंग जो भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल से जिन्होंने साझे तौर पर चुनाव लड़ा था, अरुण नारंग यहाँ पर विधायक थे। और चूंकि कांग्रेस से यहाँ पर पिछला चुनाव है वो कांग्रेस के पंजाब के कद्दावर नेता कहे जाने वाले सुनील जाखड़ के भतीजे संदीप जाखड़ ने लड़ा और इस बार भी संदीप जाखड़ है वो चुनावी मैदान में है। वहीं हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से अतुल नागपाल ने पिछला चुनाव लड़ा, इस बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने दीप कंबोज है उसको चुनावी मैदान में उतारा है। और इसके साथ साथ शिरोमणि अकाली दल की बात करें, शिरोमणि अकाली दल और जो है बहुजन समाज पार्टी है उनका गठबंधन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के शिरोमणि अकाली दल है इस बार चुनाव लड़ रही है। तो उन्होंने महेंद्र सिंह रिनवा है उनको चुनावी मैदान में उतारा है। महेंद्र सिंह रिनवा है उनको यहाँ के लोग हैं वो बाहरी मानते हैं क्योंकि वो फाजिल्का से जो है अबोर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, रहने वाले फाजिल्का के हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो पंजाब के शहरों में चुनावी माहौल है क्योंकि पूरी तरह से गर्म हो गया है क्योंकि 20 फरवरी को यहाँ पे वोट डाली जाएंगी और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। तो उस लिहाज से मैं आपको दिखाऊंगा कि हर चौक चौराहों पर जो है वोट मांगने वाले लोग हैं वो आ रहे हैं, चुनाव लड़ने वाले जो लोग हैं वो आ रहे हैं। और ये अबोर का मेन बाज़ार है, यहाँ पे जो शहरी, ये कहूँगा कि इस अबोर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पे जो शहरी जो वोटर है वहाँ पे संदीप जाखड़ का दबदबा है वो कहा जा रहा है, लेकिन टक्कर है वो आम आदमी पार्टी से मानी जा रही है क्योंकि शिरोमणि अकाली दल जो है वो इस चुनाव में यहाँ पे अबोर सीट पे पिछड़ा हुआ है ये कह सकते हैं, क्योंकि जो सीधा मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से माना जा रहा है, ये देखा जा रहा है क्योंकि ग्रामीण अंचल के वोट है खास करके जो कंबोज बिरादरी की जो वोट है वहाँ पे दीप कंबोज है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा चेहरा उतारा है जो ग्रामीण वोट हासिल कर सकता है। और संदीप जाखड़ की बात करें क्योंकि तो शहरी वोट है वहाँ पे जो है जाखड़ परिवार का दबदबा रहा है, चाहे संदीप जाखड़ की बात करें, सुनील जाखड़ की बात करें या उनके पिता रहे बलराम जाखड़ की बात करें, तो इस अबोर सीट पर हमेशा से ही जो है जाखड़ परिवार का दबदबा रहा है। इस बार अबोर सीट क्या कह रही है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देंगे क्योंकि अबोर के मेन बाज़ारों में और यहाँ से हम लोगों से चर्चा करेंगे कि चुनाव को लेकर क्या माहौल है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।